नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 40 Pro वर्सेस Moto G64 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 40 Pro में 6.64 इंच जबकि G64 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 40 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 40 Pro में 3.02 इंच जबकि G64 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 40 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 40 Pro में 0.33 इंच जबकि G64 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Hot 40 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 40 Pro में 199 ग्राम्स जबकि G64 5G में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 40 Pro में 6.78 इंचेस जबकि G64 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 40 Pro में 1080x2460px FHD+ और G64 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 40 Pro में 84.65% जबकि G64 5G में 85.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 40 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G64 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 40 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और G64 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Hot 40 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G64 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 40 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G64 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 40 Pro में माली G57MC2 जबकि G64 5G में IMGVX M8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 40 Pro में MediaTek Helio G99 और G64 5G में MediaTek Dimensity 7025 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 40 Pro में 8GB की RAM मिलती है जबकि G64 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 40 Pro में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि G64 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 40 Pro में Android V13 जबकि G64 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 40 Pro में 5000 mAh जबकि G64 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 40 Pro में 4 कलर्स जबकि G64 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो हॉट 40 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें G64 5G की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Infinix Hot 40 Pro में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G64 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Hot 40 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G64 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।